देखिए, कल जो करनाल बस्ताड़ा टोल पे हुआ है किसानों के साथ, मैं उससे बेहद आहत हूँ। और क्योंकि हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं ना कहीं कोई एक्शन लें। और उसी से आहत होकर आज मैंने जेजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि हम लोग बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, हम लोग सत्ता में हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आज त्याग पत्र दे रही हूँ। क्या कारण रहे जी, आपने कहा किसान आंदोलन पहले भी जुड़े रही हैं, तो आज ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं अपनी? नहीं, मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ और हमारी कोशिश थी, क्योंकि दुष्यंत जी का भी ये बयान आया बार बार कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, हम गृह मंत्री जी से बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मध्यस्थता होके इस मामले की का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हुआ नहीं। अब जब कल आंदोलन एक अलग चीज़ है, 9 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, उसके बावजूद कल जो बस्ताड़ा टोल पे हुआ, जबकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 15 किलोमीटर दूर था बस्ताड़ा टोल से, वो लोग निहत्ते थे, उनके ऊपर इस तरह से लाठियां बरसाना कहाँ तक उचित है? ये तो अंग्रेजों से भी बड़ा कुशासन हो गया। ये तो पूर्ण रूप से इन्होंने तो उन लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं जो लोगों का पेट भरते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, 2 दिन भूखा रह के तो देखें। और आज जब कोरोना में सब कुछ खत्म हो गया, उसके बावजूद भी किसानी चल रही है, किसान से आर्थिक जो स्थिति है देश की वो मजबूत होती है। और इन्होंने कहा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कि भाई SDM के पास किसान शिकायत लेके चला जाए तो वहाँ पे उसको न्याय मिलेगा। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, कल SDM ने क्या कहा कि लाठियाँ मारो, इनके सिर फोड़ो। ये वीडियो खूब वायरल हुई है, आप लोगों ने भी देखी होगी। जो SDM ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो ये कहता हो कि इनके सिर फोड़ो और लाठियां मारो, क्या उनसे किसी न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये लोग बोलते हैं कि वो लोग न्याय करेंगे अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है। तो मैं तो बेहद आहत हूँ, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज JJP पार्टी से मैं पूर्ण रूप से अपने आप को अलग कर रही हूँ। तो किसानों पे जो लाठी चार्ज हुआ उसको देखते हुए आप पार्टी रिजाइन? एग्जैक्टली, किसानों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं, मैं उसको उससे ही आहत हूँ और इसीलिए मैं आज त्याग पत्र दे रही हूँ। इस बारे में आपकी कोई जज्बा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत? त्याग पत्र के विषय में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं कल जब मैंने वीडियो देखी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी दुखी हूँ। क्या वो देश के लोग नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं मिला? क्या वो आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते? क्या इस तरह से लाठियां मारेंगे? बुजुर्ग लोग बैठे बेचारे, इनको जरा सी लज्जा नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं? तो मैं इससे बेहद दुखी हूँ, मेरी किसी से बात नहीं हुई है। जब शुरू में आंदोलन ये शुरू हुआ पीपली से, जब ये शुरू हुआ था, उस वक्त जब ये दिल्ली जा रहे थे किसान, तो बैरीगेट्स लगाए गए, वाटर कैनन इनके ऊपर छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, सब कुछ किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बावजूद हमें लगा कि कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता होके, वार्तालाप होके और ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब हिसार में कोई भी कार्यक्रम इनका होता है तो ये किसानों को टारगेट करते हैं। इन्होंने किस तरह से, अरे ये चाइनीज थोड़ी लोग हैं जिनके किले गाड़ी जा रही हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं। किसान तो एक तरफ बैठा है, किसान एक तरफ बैठ के अपने आंदोलन कर रहा है और केवल ये डिमांड कर रहा है कि हमारी बात सुनी जाए। लोकतंत्र में आज तक कितने आंदोलन चले हैं, क्या कभी भी ऐसा हुआ कि कोई सरकार उनकी बात ना सुने? ये तो हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी बात रख सकें, और हमारी बात कोई ना सुन के उनके ऊपर लाठियां मारे, ना सुने यहां तक भी एक बात समझ में आती है, लेकिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। क्या किसी भी आंदोलन को किसी भी तरह से ऐसे कुचला जा सकता है? नहीं कुचला जा सकता। और मैं बेहद दुखी हूँ, मैंने बहुत इंतज़ार किया, अदरवाइज मेरे को इस्तीफा देना होता तो पहले दिन जब यहाँ से कुरुक्षेत्र से जब किसान चले थे, मैं उसी दिन दे देती। लेकिन मुझे उम्मीद थी, और मुझे ये उम्मीद इसलिए भी थी कि क्योंकि दुष्यंत जी ने हमेशा ये कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, तो मुझे ये उम्मीद थी कि वो लगातार वार्तालाप, कहीं ना कहीं एक चर्चा, मध्यस्थता करके इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो कल हुआ है, इसके बाद मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। तब इसके बाद कोई पार्टी का दामन था? मैंने नहीं, किसी पार्टी का कोई दामन नहीं था हमना। मैं जिस तरह से समाज के लिए काम कर रही हूँ, मैं उसी तरह से करूँगी, और किसान आंदोलन में पूरा बढ़ चढ़कर हमारा जो सर्व जातीय सर्व खाप का जो संगठन है, वो पूर्ण रूप से समर्थन दे ही रहा है। शुरू से आप लोग देख ही रहे, और आगे भी हम लोग इसी तरह से समर्थन देते रहेंगे।